हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, टू अ न्यू ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मैं आ गई हूँ यूपी सिद्धार्थनगर में, अपने घर में। और जैसे कि आप सबको पता था कि मैं दुर्गा पूजा में वेस्ट बंगाल में थी, मैंने बहुत इन्जॉय किया। तो फिलहाल अभी मैं आ गई हूँ वहाँ से, और मैं कल ही आई हूँ, और अभी दिवाली की कोई भी शॉपिंग नहीं हुई है। और आज है धनतेरस, तो आप सभी को धनतेरस की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं, आप पर और आपके पूरे परिवार पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे। तो आज है धनतेरस, तो धनतेरस के दिन जैसे कि आपको सब जैसे आप सबको पता है कि कुछ ना कुछ लेना चाहिए, तो मम्मी पापा हैं नहीं, और वो कहाँ गए हैं वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। फिलहाल मुझे जाना है मार्केट, और अभी मार्केट से मुझे दिया भी ख़रीदना है, और मतलब गणेश लक्ष्मी जो हम लेके आएंगे उसको भी फाइनल करके आना है, वो मैं कल लेके आऊँगी, क्योंकि सब कुछ इस बार मुझे ही करना है, क्योंकि पापा मम्मी हैं नहीं इस बार घर पे, और वो मैं आपको बाद में बताऊँगी आगे। तो अभी मुझे दिवाली की शॉपिंग मतलब कपड़ा भी लेना है, अभी तक कपड़ा भी फाइनल नहीं हुआ है। और अभी चलते हैं फिलहाल मार्केट, और बहुत भीड़ है, तो किसी तरह फटाफट सारा सामान लेके फिर आते हैं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ, फिर मैं आपको सब कुछ आगे डिटेल में बताऊँगी। तो बने रहिएगा ब्लॉग में, बस निकलते हैं। मैं जूती पहन लेती हूँ, फिर निकलती हूँ, फिर ब्लॉग भी करना है अभी। हमको ये वाला जानती हो, सेम हो जाएगा अंदर और बाहर दोनों सेम सेम। और यहाँ पे घर पे लाइट्स भी लग चुका है, आज लगा दिया उन्होंने। और ये है हमारे जो मोहल्ले की जो है लक्ष्मी पूजा हो रही है यहाँ पे, तो देखिए कितना प्यारा सजा हुआ है, और सब बच्चे यहाँ पे खेल रहे हैं। तो मैं घर आ चुकी हूँ, और अभी शाम के 6 बज चुके हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम था दिया लेना, जो कि मैंने सबसे पहले ही ले लिया था। और आज जो है दिया 2 रुपये पीस था, अभी तक 1 रुपये पीस बिक रहा था। खैर कोई बात नहीं, ठीक है। तो मैंने दिया विया ले सब ले लिया जो भी ज़रूरी था, और उसके बाद मैं गई कपड़े के शॉप पे। तो जो ड्रेस मुझे चाहिए था, मतलब नहीं था ये नहीं कहूँगी मैं, मतलब था, पर जिस तरह मुझे चाहिए था एक पसंद होने वाला वो नहीं मिल रहा था, पर कोई बात नहीं। उन्होंने मुझे बोला है कि कल हो सकता है जो उनका नया स्टॉक है वो कल आएगा, तो कल देखते हैं, अगर टाइम मिलेगा तो चले जाएंगे, बाकी अगर नहीं भी जाते हैं तो कोई बात नहीं, मेरे पास दूसरा ऑप्शन है तो मैं वो पहन लूँगी, और वैसे भी इतना काम रहेगा तो ठीक है, कोई बात नहीं। बाकी धनतेरस पे मैंने लिया है ये सिल्वर कॉइन, मैं आपको दिखाती हूँ इसका बॉक्स। गर्मी लग रही है मुझे बहुत तेज। तो सिल्वर कॉइन है ये, खुलता क्यों नहीं है ये? हाँ, तो इसका बॉक्स जो है कुछ इस तरह से है, और ये है सिल्वर कॉइन, मतलब लेना चाहिए तो मैंने ले लिया। इसमें श्री लिखा हुआ है, और पीछे साइड जो है गणेश लक्ष्मी का बना हुआ है फिगर, तो ये मैंने लिया है, एक ही लिया है, एक और लेना था इससे बड़े में तो समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने छोटा ही ले लिया है। तो ये मैंने लिया है, और इसका कवर मुझे बहुत प्यारा लगा, इसके साथ ही कवर नहीं था ये। तो ये तो हो गया, कपड़ा जो है मेरा तो वो आया नहीं कपड़ा, और मेन जो था दिया था, और मैंने गणेश लक्ष्मी जो है कल मैं लेके आऊँगी उसे, तो वो अभी मैं आपको नहीं दिखाऊंगी, बाकी मैंने वहाँ पे थोड़ा बहुत क्लिप लिया था, तो आप देखिएगा बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियाँ थी वहाँ पे, बहुत सुंदर सुंदर। तो मैंने 2 मूर्तियाँ जो हैं मतलब 2 जोड़ी उसे फाइनल करके अलग रखने को बोल दिया है, वो मैं कल लेके मतलब लेके आऊँगी घर पूजा करने से पहले, तो मैंने उसको अलग करवा दिया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही क्यूट, बहुत ही प्यारा लग रहा था मुझे, मैंने दोनों ले लिया है, मतलब 2 तो ज़रूरी था ले लिया, क्या मतलब, ठीक है। तो 2 मूर्ति मैंने अलग करवा दिया है, और पूजा का जो भी सामान है मिठाई वगैरह बाकी जो भी कुछ पूजा का सामान है वो मैं कल लेके आऊँगी, आज नहीं, और वो सब कल ही आएगा, तो वो सब आपको कल के ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तो आज जो था बस ये था शॉपिंग का ब्लॉग था, जो कि मेन मतलब दिवाली से रिलेटेड ही शॉपिंग था। तो मेरी शॉपिंग तो हो नहीं पाई, और भाई का ड्रेस वो खुद जाएगा लेने। तो जैसे कि आप सोचेंगे कि हम लोग मतलब मैं ही सारी तैयारी क्यों कर रही हूँ, तो मैं आपको बता दूँ
कि मम्मी और पापा इस बार दिवाली में हमारे साथ नहीं रहेंगे, जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है, पर कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और बस फैमिली में चार मेंबर्स हैं, तो दो लोग नहीं हैं, मैं और भाई रहेंगे। और फैमिली फेस्टिवल्स में अगर फैमिली साथ ना हो तो आप समझ सकते हैं कि कितना बुरा लगता है। तो बुरा लग भी रहा है, लेकिन मतलब सिचुएशन ही कुछ ऐसा है। मम्मी और पापा बैंगलोर गए हैं, जब हम कोलकाता गए थे तो वहीं से उनकी 13 तारीख को फ्लाइट थी और वो बैंगलोर चले गए, और अभी भी वो बैंगलोर में ही हैं। तो वो भैया दूज के बाद तक आएंगे। तो जैसे कि अब आप लोग सोचेंगे कि मम्मी पापा बैंगलोर क्यों गए हैं, तो मैं आपको बता दूं कि मम्मी को जो है स्लीप डिस्क हो गया है, मतलब जो इसमें डिस्क होता है ना, स्पाइनल, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है उसमें जो डिस्क होता है, या तो वो मतलब जैसे आप गिर जाओ या आपको चोट लग जाए तो वो डिस्क अपनी जगह से डिसप्लेस हो जाता है, या कभी कभी वो जो है सेल्फ वो डिस्क जो है मतलब अपने आप ही उसमें कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम डिस्क हेरिनेशन बोलते हैं। तो मम्मी जो है उनका खुद से नहीं हुआ ये, वो गिर गई थी, तो जिस वजह से ये प्रॉब्लम हो गई है। पिछले 1-1.5 साल से बहुत प्रॉब्लम है, बहुत पेन, मतलब बहुत ज़्यादा दवाइयाँ, बहुत ज़्यादा इंजेक्शन, सब कुछ। और फिर हमने कई जगह दिखाया भी, हमारे जो सिद्धार्थ नगर में जो हमारे ऑर्थो और न्यूरोलॉजी जो है वो सर्जन है, उनको हमने दिखाया, तो उन्होंने जो पहला MRI किया उसमें यही बताया कि मतलब ऑपरेशन करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो डिस्क है वो अपनी जगह से हट चुका है। L5 और L4 डिस्क, मतलब मैं इतना डिटेल में नहीं बता पाऊँगी, तो वो जो डिस्क है वो किसी नस को दबा रहा है, मीन्स जो हमारी वेन्स है, जो हमारे मतलब ऐसी कोई वेन है जो पैरों से मतलब कनेक्टेड है, तो जब वो खड़ी होती हैं या बैठती हैं तो वो उस पर शायद प्रेशर पड़ता है, ऐसा मम्मी मतलब बताती है। भाई उनको प्रॉब्लम है तो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगी, तो मतलब उसमें दिक्कत है। तो उसके बाद हमने लखनऊ में दिखाया, सहारा में, तो वहाँ पे जो है डॉक्टर रस्तोगी, उन्होंने भी सेम चीज़ बताई कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, लेकिन जो सक्सेसफुल ऑपरेशन के चांसेस हैं वो मतलब वो ये नहीं कह सकते कि हाँ आपका ऑपरेशन सक्सेसफुली होगा। अगर आप सक्सेसफुल आपका ऑपरेशन हुआ तो आप एकदम चल फिर सकते हैं, दौड़ भाग सकते हैं। अगर ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ इन केस, तो आप बेड पे पढ़ सकते हैं, जो कि हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं, क्योंकि मम्मी अभी भी बहुत ही मतलब उनकी कंडीशन जो इतनी स्टेबल है कि वो अपना खुद उठ सकती हैं, बैठ सकती हैं, चल सकती हैं, हाँ ज़्यादा देर तक मतलब खड़े नहीं रह सकती हैं। कभी दर्द तो होता ही है, अगर हमारे शरीर में कोई भी चीज़ अपनी जगह से हट जाए तो आप समझ सकते हैं कि इतना पेन होता होगा। तो मतलब ये हम नहीं कहेंगे कि वो प्रॉपर तरीके से मतलब ठीक है, मतलब प्रॉब्लम है, तो यही प्रॉब्लम है। उसके बाद हमने उनको कोलकाता में दिखाया, तो वहाँ पे एक डॉक्टर हैं, तो वो फिजिशियन हैं, तो उन्होंने मतलब उन्होंने उनका इलाज किया मतलब कुछ महीनों तक, मतलब 6-7 महीनों तक, और उनकी दवा से उनको काफ़ी रिस्पांस भी मिला, लेकिन वो होता है ना परमानेंट रिस्पांस नहीं मिल रहा था। तो उसके बाद चेन्नई में पापा ने एम्स हॉस्पिटल में अपॉइंटमेंट लिया वहाँ पे, तो वो अपॉइंटमेंट जो है कल की डेट में है, मीन्स 24 तारीख को है, लेकिन उससे पहले पापा एक प्राइवेट हॉस्पिटल है मणिपाल करके, जो कि वहाँ का फेमस हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे उन्होंने दिखाया, तो वो उनका भी सेम कहना था। तो कुल मिला के ऑपरेशन मतलब उसका लास्ट एक कह सकते हैं ऑप्शन है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते हैं कि ऑपरेशन के बाद आप एकदम ठीक हो जाएंगे। उसके बाद और मतलब वो वहाँ पे रहे और लोगों से उन्होंने पता किया, तो वहाँ पे एक फिजिशियन उनको मिले, तो उनकी दवाइयाँ जो उन्होंने 5 दिन की दवा लिखी और 5 दिन फिजियोथेरेपी के लिए बोला, तो उससे मम्मी को काफ़ी आराम है, तो अभी वो वही ट्रीटमेंट ले रही हैं और एकदम मतलब रिस्पांस काफ़ी अच्छा मिल रहा है। तो कुल मिला के अभी वो कुछ दिन तक वहीं रहेंगी, और थोड़ा बहुत रिस्पांस क्या है क्या नहीं कन्फर्म करके फिर देख के अपना अच्छे से इलाज करा के फिर वो आएंगी भैया दूज के बाद तक। ये है रीज़न इस बार हमारे दिवाली में साथ ना होने का पूरी फैमिली का। तो मतलब जो भी है मतलब ज़रूरी है उनका ठीक होना, फेस्टिवल्स तो आते रहेंगे, तो मैं ये चाहती हूँ कि मतलब वो ठीक हो जाए मम्मी, उन्हें इस तकलीफ़ से छुटकारा मिल जाए। बहुत झीला उन्होंने, बहुत लगभग 1-1.5 साल से बहुत परेशान है, रात रात भर रोती रही हैं, सो नहीं पाई हैं, तो आप मतलब हमने देखा है उन्हें, तो बहुत बुरा लगता है। तो कुल मिला के मैं यही चाहती हूँ कि वो ठीक होके घर आएँ, और आप सब भी प्लीज़ उनके लिए प्रे करिएगा कि एकदम से एकदम ठीक हो जाएं। मैं चाहती हूँ कि पहले जितना वो जितना एक्साइटेड रहती थी हर चीज़ को लेकर, दौड़ भाग, मम्मी शांत रहने वालों में से नहीं है, तो अभी भी उनके अंदर बहुत बचपना है, तो मैं चाहती हूँ कि वो बचपना फिर से लौट आए और ये मतलब इस दर्द से छुट्टी मिल जाए उन्हें और एकदम पहले जैसी हो जाए वो। तो बस मैंने आपको बता दिया, यही रीज़न है, और ठीक है कोई बात नहीं। तो इस बार हम और मतलब मैं और भाई मिलकर ही सेलिब्रेट कर लेंगे। तो आज के ब्लॉग में यहीं तक, मिलते हैं आपसे
कल के ब्लॉग में, यानी कि दिवाली स्पेशल ब्लॉग में। आप सभी को फिर से हैप्पी धनतेरस मेरी तरफ से, मेरे परिवार की तरफ से। तो आज के ब्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे कल के एक नए ब्लॉग में। तो तब तक के लिए बाय।